बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 69 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860 को। सेक्शन 69, टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। सेक्शन 69 सेज, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर अदालत ने मुजरिम को 1000 रुपया जुर्माना आयद किया और साथ अदालत ने यह भी कहा कि अगर ये 1000 रुपये जुर्माना अदा नहीं करता तो इसको 4 माह की कैद दी जाएगी। ऐसी सूरत हाल में जब मुजरिम अपनी असल सजा काट लेता है उसके बाद वो जुर्माना अदा नहीं करता तो उसकी 4 माह की कैद शुरू हो जाएगी अदम अदायगी जुर्माने की वजह से। देखिए, जब ये 4 माह की कैद शुरू होती है और इस कैद के दौरान पहले कुछ दिनों में ही वो अगर 1000 रुपया जमा करवा देता है तो उसको फौरन छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि वो 750 रुपये जमा करवाए, अभी 20 दिन ही गुजरे हों तो 750 रुपये जमा करवा दे, तो इसका मतलब है ये है कि 750 रुपये अगर उसने जमा करवाए हैं कि उसने 3 माह की जो कैद है उसके उसने पैसे जमा करवा दिए हैं, क्योंकि 4 माह की कैद के 1000 रुपये थे और 3 माह की कैद के अगर उसने 750 रुपये जमा करवा दी हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी 3 माह की कैद माफ होगी। लिहाजा जो ही 1 माह का अरसा उसका गुजरेगा फौरन ही उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि 1 महीने की सजा वो काट ले और दूसरा महीना शुरू हो जाए और दूसरे महीने के अभी 6-7 दिन ही गुजरे हों और ऐसा मुझे 500 रुपये जमा करवा दे, तो ऐसी सूरत हाल में उसको फौरन नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि उसने 500 रुपये जो जमा करवाए हैं वो 2 माह की कैद के हिसाब से करवाए हैं। लिहाजा जो ही उसके 2 माह पूरे होंगे तो फौरन उसको छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह अगर ऐसे मुजरिम ने 250 रुपये जुर्माना जमा करवाया है या 250 रुपये जुर्माना उससे वसूल कर लिया गया है तो जो ही 3 महीने पूरे होंगे उसको फौरन छोड़ दिया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा मुजरिम अदम अदायगी जुर्माना की वजह से जेल की सजा काट रहा हो तो जितने दिन उसके बचे हों उन दिनों के तनासुब के हिसाब से अगर वो जुर्माना अदा कर देता है या उसे जुर्माना वसूल कर लिया जाता है तो उसको फौरन छोड़ दिया जाएगा। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।